ये है फिंगर्स कंपनी का सुपर हिट माउस एंड ये मैंने परचेज़ किया है 299 रुपीस में एंड ऐसे कुछ पैकेजिंग में आता है ये माउस एंड ऐसे कुछ पैकेजिंग है एंड यहाँ पे माउस के सारे फीचर्स हैं। ड्यूअल टोन इसका डिज़ाइन है, विंडो मैक लिनक्स ओएस में ये वर्क करेगा एंड यहाँ पे माउस की और भी डिटेल्स आप देख सकते हो एंड माउस में 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है, अमेज़न पर 3 ईयर की वारंटी लिखी है तो काफ़ी बढ़िया है। तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं एंड बॉक्स में ये वारंटी कार्ड मिलता है, इसे रजिस्टर करके आप गिफ्ट्स वगैरह विन कर सकते हैं। तो फाइनली ये रहा माउस, आप देख सकते हो ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में है एंड ये फिंगर भी सिल्वर कलर में ब्रांडिंग की गई है तो काफ़ी बढ़िया लुक आता है। आप देख सकते हो स्पॉटी जैसा लुक लग रहा है एंड यहाँ पर ऐसे टेक्स्चर दिया है साइड पर, दोनों साइड पर आप देख सकते हो, इसकी वजह से ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलेगी एंड माउस का साइज़ आप देख सकते हो नॉर्मल साइज़ में है तो अर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट में भी काफ़ी सही रहेगा। माउस के साइज़ में आपको डिटेल में बता देता हूँ, इसकी लेंथ है 4.8 इंच एंड वाइड है 2.5 इंच। तो ओवरऑल माउस का लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है इस प्राइस में। माउस में 4 बटन्स हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक स्क्रॉल व्हील में बटन है एंड DPI एडजस्ट का बटन है एंड ये DPI में ऐसी क्लिक जैसी साउंड नहीं आती है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट इसका क्लिक है एंड ये स्क्रॉल व्हील रबर मटेरियल में दिया है एंड बॉटम में ये सेंसर है जो कि सपोर्ट करता है मैक्सिमम 2400 DPI को एंड फुटपैड्स की क्वालिटी ऐसी कुछ है, चारों तरफ ऐसे डॉट्स दिए हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल में ही है तो ठीक ठाक ही है प्राइस को कंसिडर करते हुए। एंड माउस का वेट विदाउट वायर होता है 55 ग्राम, तो काफ़ी लाइट वेट है ये माउस एंड USB एंड केबल की क्वालिटी ऐसी कुछ है, यहाँ पे फिंगर की ब्रांडिंग की गई है एंड ये 200-300 वाले कीबोर्ड माउस में क्वालिटी आती है वैसे ही है, PVC केबल है नॉर्मली जो आते हैं वैसे ही है एंड केबल की लेंथ 1.4 मीटर है। माउस को अभी PC के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, ये इसका ऐसा कुछ सेंसर लगता है ऑन होने पे एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है एंड इसमें DPI ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो 4 DPI दिए हैं, 800, 1200, 1600 एंड 2400। तो देख लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, तो ये सबसे कम है 800 होगा एंड इसके बाद ये 1200 होगा, ये 1600 एंड ये 2400, तो इन्फॉर्मेशन सही दी है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये काफ़ी अच्छी बात है एंड 2400 DPI थोड़ा सा मुझे फास्ट ही लग रहा है, आप देख सकते हो इतना ही ड्रैग करने पर ये टॉप टू बॉटम जा रहा है 24 इंच के मॉनिटर में, तो आई थिंक 1600 ये नॉर्मल यूज़ के लिए सही रहेगा एंड 2400 DPI गेमिंग वगैरह के लिए सही है। बाकी माउस में बेसिक टेस्ट कर लेते हैं, लाइक डबल क्लिक आसानी से हो रहा है, ड्रैग भी आसानी से हो रहा है एंड राइट क्लिक भी आसानी से हो रहा है आप देख सकते हो एंड माउस में क्लिक्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे इस प्राइस रेंज में, क्लिक्स को मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा। आप देख सकते हो मेरा प्राइमरी माउस जो है मैं ये TOD 1 यूज़ करता हूँ, इसकी क्वालिटी भी इसके जैसे ही है, आप देख सकते हो इसका जो क्लिक है थोड़ा सा लाउड है अगर TOD 1 से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन क्लिक्स की फील मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके कंपेयर में, थोड़ा बहुत 19-20 होगा लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में क्लिक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, क्लिक्स हार्ड रहते हैं लेकिन इसमें क्लिक्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है एंड स्क्रॉल व्हील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो पेज को आसानी से स्क्रॉल कर पा रहा है एंड वियर्ड साउंड भी नहीं आती है, आप सुन सकते हो ये मेरे TOD 1 में वियर्ड साउंड आती है, आप सुन सकते हो इसमें वो नहीं आती है। तो माउस में क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील को 10 out of 10 देना चाहूँगा, सिर्फ ये DPI का बटन थोड़ा सा मुझे वियर्ड जैसा ही लग रहा है, क्लिक्स की साउंड ही नहीं आती है इसमें एंड माउस में ड्रैग की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, ये प्लास्टिक मटेरियल में दिया है फिर भी आसानी से मैं टेबल की सरफेस पे इसे ड्रैग कर पा रहा हूँ, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड शायद ये काफ़ी लाइट वेट माउस है इसकी वजह से मैं इस माउस को यूज़ करने पर काफ़ी इंजॉय कर पा रहा हूँ एंड माउस में पोलिंग रेट है मैक्सिमम 125 Hz एंड माउस में क्लिक्स की साउंड आप सुन सकते हो। गेमिंग टेस्ट,
तो ये माउस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है, लुक्स काफ़ी बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक एंड स्पोर्टी लगता है ये फॉन्ट्स एंड कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। एंड माउस में DPI की बात करें तो 4 DPI मिलती है, एंड ये गिमिक नहीं है, एक्चुअली में आपको 4 DPI मिलती है। एंड क्लिक्स की बात करो तो काफ़ी बढ़िया है, एंड स्क्रॉल व्हील भी काफ़ी बढ़िया है, क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील को 10 out of 10 देना चाहूँगा, काफ़ी ऑसम है। तो ओवरऑल यहाँ तक माउस काफ़ी बढ़िया है, सिर्फ ये केबल एंड USB की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती तो काफ़ी बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, इस प्राइस रेंज में माउस काफ़ी बढ़िया है, यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 299 rupees में माउस काफ़ी ऑसम है, आप इसे डेली यूज़ के लिए परचेस कर सकते हो, एंड थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो भी आप परचेस कर सकते हो, मैक्सिमम 2400 DPI है, तो ये भी हेल्पफुल रहेगा गेमिंग के लिए।